जो आप कल से जड़ा वाला में यहाँ पे खदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप हमारे माशरे की आंखें चेहरा और हाथ हैं। आपके बगैर हम नहीं चल सकते और आपने बहुत ज़्यादा इन लोगों की मदद की है और इनकी आवाज़ को बड़ी दूर तक पहुँचाया। फिर यहाँ के मुसलमान भाइयों का जिन्होंने ऐसे हादसे में वो खुद आग में खुदे मेरे साथ खड़े हैं, कुछ और हमारे मुस्लिम भाई भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी मदद की लोगों को सही जगह पर पहुँचाया। मैं समझता हूँ रियासत नाकाम हुई है और ये बिलाल सलहरी जो भी हैं मेरे चाचा जितने मर्जी किसी से लो तलक वास्तलाम और एस एच ओ अलग अच्छा वाला सच है मसूर साहब, उसको सुबह 7 बजे 7:15 बजे ये कह रहे हैं और वो नहीं आए हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं। मैं जी साहब से मुतालबा करूँगा उसको डिसमिस किया जाए और ये जो बिलाल सलहरी इसको आइंदा किसी भी इलाके में लगाया ना जाए, क्योंकि ये जब भी ऐसा करते हैं थोड़े दिनों के बाद कमीशन बनता है फिर माफी तलाफी लेकर दोबारा लग जाते हैं। ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? और आज जिस ठीक है जिसने जुर्म किया उसको सजा मिले, उसको पकड़े, उसके खिलाफ एविडेंस आएगी, सजाएं आएंगी, इनका काम था। लेकिन सबसे पहले जिसने ऐलान किया था उसको तो पकड़ते, और अगर ये कल को जुर्म गलत साबित होता है तो मैं एज ए वकील कह रहा हूँ एज ए पार्लियामेंटेरियन बाद में तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए। अगर ये जुर्म साबित गलत हो जाता है तो जो कुछ कानून ने उसकी सजा दी हुई है अगर कोई जुर्म करता है तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपके जरिए से जो पुरजोर मुतालबा करते उसको जरूर चलाइएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आने वाले चीफ जस्टिस फिर खुदा के लिए हमें बतौर पाकिस्तानी हमारा हक दें, बतौर मसीह हम बाद में सबसे पहले पाकिस्तानी है। 14 अगस्त को हमारी हर चर्च में तकरीब हुई है, हर चर्च में हम पाकिस्तान की बका के लिए गीत गा रहे थे और पाकिस्तान कल जब मियां शबाशी साहब ने मिला पाकिस्तान बना ही मसीह के वोट से था। 23 जुलाई 1947 को 177 वोट थे पंजाब असेंबली में, 5 वोट माइनॉरिटीज के थे, माइनॉरिटीज ने वोट दिया था तब ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा था। हमें उसका ये चेहरा मिल रहा है जिस तरह श्रीलंका के लोग एक इंजीनियर को वो आंखें भेजे और हम उनको राख भेजे, तो ये मतलब और हमारे साथ इस किस्म का। हम तो अपने घरों में सबसे पहले अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार एक बड़ा सबक दिया जाता है बर्दाश्त टॉलरेंस नहीं, इससे पहले भी एज ए वकील कहूँगा एज ए पार्लियामेंटेरियन कहूँगा आपके जरिए से कि टॉलरेंस अपनी जगह पे है लेकिन एक्सेप्टेंस तो होगी दूसरे की, एक दूसरे को एक्सेप्ट तो करें। ये मसला उस मौलवी साहब को पकड़ा जाता गिरफ्तार किया जाता बड़ा आसानी से सुन सकता था, वो भी ना भागते कुछ भी ना ऐसा होता अगर ये ऐसे ऐसे मौके पर आते यहाँ पे तो, लेकिन ये गुवारा नहीं करते। और टोटली मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब से बिल्कुल भैया की तरह है, लेकिन इस मामले में कोई समझौता नहीं है, उनको खुद यहाँ पे अब तक आना चाहिए था और काकड़ साहब को भी यहाँ पे आना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि ये इस तरह से तो चलता रहेगा हर जगह पे। एक 100 होगा जब आज बनाएंगे, 100 फिर एक महीने के बाद कहीं बनाएंगे। आखिर में एक बार फिर मैं आने वाले चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए सेव द क्रिश्चियन, सेव द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। और मैं आप मीडिया का दिल की था कराएंगे उससे, आपका विषय फर्ज है लेकिन आपने जो यहाँ पर दिन रात मेहनत की है शायद मैं इसका कभी एहसान ना दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।